अब घेरे अब हमें, ये पूरी झंझोटी है। रे मा पा धा पा नी धा पा मा, अब मा पा धा नी धा पा, यहाँ पे चारों पेशी हो गई। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गरे सा, वो गाना भी है इसमें अगर आपको ध्यान हो। धरती सुनहरी अंबर नीला, वो चारों पेशी में ही है। लेकिन वैसे एक और गाना है चारों पेशी में, जो हमने दास्ता अपनी सुनाई आप क्यों रोए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष द मैजिक ऑफ राग झंझोटी यूज्ड बाय आदरणीय मदन मोहन साहब, द एप्लीकेशन ऑफ राग झंझोटी। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं एक बहुत ही प्रचलित राग है राग झंझोटी। खमाज थाट का ये राग है, इसकी चलन बहुत ही खूबसूरत चलन है। खमाज थाट के कुछ ही ऐसे राग है जिनमें पैथोस एक सैडनेस की फीलिंग है, लेकिन मदन मोहन साहब ने देखिए क्या इस राग का गजब प्रयोग किया दोस्तों। चाहे रोमांस हो, चाहे कुछ इमोशनल फीलिंग्स हो, मैं आज आपके समक्ष उनकी चार कंपोजिशंस शेयर करूंगा जिसमें इस राग का तत्व आपको दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राग झंझोटी खमाज थाट का राग है, इसमें एक ही विकृत स्वर है कोमल नी। आरो अवरो इसका संपूर्ण है दोस्तों। सारे गा म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा, लेकिन ये तो शरीर है दोस्तों, शरीर जो सिर्फ ढांचा बताता है। आत्मा क्या है दोस्तों, वो इसकी मुख्य स्वर संगति देखिए आप, उससे आपको झंझोटी की झलक दिखेगी। द सा रे म ग रे ग सा रे नी द पद सारे मागे। गंधारवादी संवादी कोमल निषाद, मा पद सारे ग सारे नी सा ध नी पद म प ग म रे प म ग सारे नी ग नी पद सारे मागे। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको ठुमरी सिखा रहा था राग झंझोटी की 14 मात्रा दीप चंदी में, उसमें मैंने आपको राग झंझोटी का विवरण दिया था। ये लेक्चर जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें मैंने आपको ठुमरी सिखाई है इसी राग में, इस राग का आपका और ज्ञान बढ़ेगा। बहरहाल मैं सिर्फ कंपोजिशंस की आज बात करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही मुरीद हूँ और उनको भगवान मान के चलता हूँ, हमारे आदरणीय मदन मोहन साहब को। इसलिए उनकी कुछ कंपोजिशंस का प्रयोग कैसे किया उन्होंने इस राग का, उन कंपोजिशंस में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली कंपोजिशंस देखिए दोस्तों, आप सभी का फेवरेट सॉन्ग है ये गाना, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब ये राग झंझोटी क्यों है दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए आप, चलन राग झंझोटी का स्पष्ट रूप से नजर आता है। राग झंझोटी रे ग सा रे नी, अब रे नी रे मा ग सा रे नी द नी प द सा रे मा ग, ये झंझोटी में आना जरूरी है। अब देखिए इस गाने की नोटेशन अगर मैं निकालूं, विश्लेषण करूं, तो सा ग ग म ध प सा ग ग म ध प ग रे सा ध ध रे सा ग रे सा। अब कोमल निषाद का प्रयोग, सा रे नी सा ग ग ग, ऋषभ का लंगन जो कि झंझोटी अंक का सूचक है, सा रे नी सा ग ग ग, ये लंगन अल्पत्व बहुत्व राग व्याकरण का लेक्चर देख लेना दोस्तों, अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी इस पे ध्यान दीजिए,
मदन मोहन साहब को याद कीजिए, उनकी कंपोजिशन का रियाज कीजिए। चलिए देखिए, सारे नी सा गा 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 रे सा मा मा मा। अब गा पा धा सा नी सा धा 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 नी धा सा नी धा पा गा रे गा मा पा रे गा सा गा गा मा धा पा सा गा गा मा धा पा पा गा रे सा धा धा रे सा गा रे सा। देखिए आप, ये पहली कंपोजिशन मैंने शेयर करने की कोशिश की। दूसरी कंपोजिशन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मदन मोहन साहब की राग झिंझोटी में। देखिए कॉन्स्टेंट है, एक तो मदन मोहन साहब की ही रचना और राग झिंझोटी में ही और रोमांटिक। देखिए, एक हंसी शाम को, मींड का प्रयोग देखिए आप रफ़ी साहब द्वारा। आहा, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। अब देखो, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। अब देखिए, गा पा धा सा गा गा सा गा रे नी रे गा पा गा। गंधार पे ही न्यास, गंधार की ही पुनरावृत्ति, ये झिंझोटी का ही सूचक है दोस्तों। हालांकि खमाज का भी सोचा क्या, लेकिन गामा बधनी धा पधमा गा ये खमाज है, लेकिन रे नी धनी पद सारे मा गा सारे पा मा गा सारे ग सारे नी धनी पद सारे मा गा। ये झिंझोटी है जो कि इस राग में दिखता है। देखिए, गा पा धा सा गा गा सा गा रे नी रे गा पा मा गा। अब पा 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 गा पा धा पा गा रे सा सा गा रे नी रे गा पा मा गा। मदन मोहन साहब की ग्रेटनेस जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी दोस्तों, साउथ इंडियन राग्स पर आधारित मदन मोहन साहब जी की रचनाओं का मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की, और द जीनियस ऑफ मदन मोहन साहब, उनकी कुछ बहुत ही फेमस रचनाएं, उसका शास्त्रीय विवेचन करने की मैंने कोशिश की। अभी मैं राग झिंझोटी पर मदन मोहन साहब ने जो कंपोजिशंस किए उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब पर पहले कभी नहीं बने, एक इनिशिएटिव है अच्छे संगीत को आगे बढ़ाने का, तो आप सहयोग देंगे तो मेरा और मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो देखिए, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में, कोमल निषाद लग गया कोई आए, यहाँ पे राग भोपाली भी दिखती है। था पा गा गा था पा गा रे सा सा गा पानी, यहाँ पे चेंज हो गया, झिंझोटी हो गई कोई आए था पा गा पा, है ना दोस्तों। सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिल मिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को, ये देखिए अगेन राग झिंझोटी। अब ये तो रोमांटिक कंपोजिशंस की बात की मैंने, दो जो आपको बताई, तीसरी कंपोजिशन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें इमोशंस भरे हुए हैं। और मेन बात क्या है इस कंपोजिशन की, अनरिलीज्ड कंपोजिशन है मदन मोहन साहब की। ओरिजिनल अगर कंपोजिशन की बात करूँ दोस्तों, तो वो जी मेजर से गाई गई है, फिफ्थ वाइट सी डी ई एफ सी डी ई एफ जी फिफ्थ वाइट जी,
ये ओरिजिनल पिच है इस गाने का। कैसे कटेगी जिंदगी, दसारे मागा सारे पमागा सारे निदानी पद सारे पमागा सारे निदानी पद निद पद सारे मागा। ये आलाप आप ले सकते हैं इस गाने से पहले, जस्ट टू शो अ टेम्परामेंट ऑफ पर्टिकुलर सॉन्ग। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शेर में कमी, तेरे बगैर तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। सा 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 गरे गा मा गरे गरे सा सारे गा पा मा रे नी धनी प सा 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 गा पा 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 धा धनी धनी ध पा 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 धा प गरे सा सा गरे गा मा गरे गा सा 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 गरे गा मा गरे गरे सा। ये राग झंझोटी का प्रयोग देखिए मदन मोहन साहब द्वारा। ऐसी रचनाएं हमेशा अमर रहती हैं दोस्तों, हम कभी नहीं भूल सकते। एक वीट जरा में दोस्तों गाना था तेरे लिए हम है जी। अब आप बोलोगे ये तो दरबारी के स्वर है, बिल्कुल है, लेकिन अंतरा देखिए आप, उसमें आपको झंझोटी की आत्मा दिख जाएगी दोस्त। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। अब जिंदगी लेके आई है, शुद्ध निषाद लग गया यहाँ पे, मिश्र झंझोटी हो जाती है। बीते दिनों की किताब अब घेरे अब हमें, ये पूरी झंझोटी है। रे मा पा धा धा पा नी धा पा मा, अब मा पा धा नी धा पा, यहाँ पे चारों किसी होगी। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गरे सा, वो गाना भी है इसमें अगर आपको ध्यान हो। धरती सुनहरी अंबर नीला, वो चारों किसी में ही है, लेकिन वैसे एक और गाना है चारों किसी में। जो हमने दास्ता अपनी सुनाई आप क्यों रोए। ये भी चारों किसी में जो कि मदन मोहन साहब की। अब मैं क्या बताऊं चारों किसी का क्या गजब प्रयोग किया, लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा। देखिए अब घेरे अब हमें यादें, यहाँ पे चारों किसी झंझोटी से बेमिसाल, यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा। बिन पूछे मिले मुझे इतने सारे जवाब, फिर चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। ये फिर दरबारी के स्वर हो जाते हैं। तो ये मेरा सिर्फ विश्लेषण झंझोटी तक ही आज सीमित रखूंगा। आई होप आपको आनंद आया। तेरी आंखों के सिवा दादरा में आप गा सकते हैं। एक हंसी शाम को कहरवा में, अगेन कैसे कटेगी जिंदगी दादरा में, और ये गाना। तो अगर आप मेडले बनाकर गाना चाहें अनप्लग्ड रूप में, देखिए आप गाने एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बेस मेरा सेम है राग झंझोटी का। देखिए आप मिक्स कीजिए अब इनको। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। इस गाने का स्वर थोड़ा नीचे पड़ जाएगा, तो आप इसको डी शार्प पे भी गा सकते हैं। पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी
तेरे बगैर, तेरे बगैर जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। ये रे अब हमें यादें बेमिसाल। सो दिस इज द मैजिक ऑफ राग झंझोटी यूज्ड बाय रिस्पेक्टेड मदन मोहन साहब। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, बेनिफिट हुआ होगा कि हाँ देखिए ये सिर्फ राग झंझोटी पर आधारित गीत, जो कि मदन मोहन साहब की एक बहुत अच्छी फेवरेट राग थी और उन्होंने देखिए कितना खूबसूरत प्रयोग किया। लेक्चर को सपोर्ट कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम शांति।